ये देखिएगा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल, एंगुलर मोमेंटम यानी कि एल वेक्टर, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इज इक्वल टू ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड एरियल वेलोसिटी। अब एरियल वेलोसिटी क्या होता है ये हमने अभी तक देखा नहीं है, हमें पता नहीं है कि एरियल वेलोसिटी क्या होता है। तो एरियल वेलोसिटी का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए सिर्फ वेलोसिटी की बात होती है तो वेलोसिटी का मतलब है कि एक लाइन किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। तो लाइन अगर किसी डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है और उसको हमने टाइम से डिवाइड कर दिया तो दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी, उसको बोलते हैं लीनियर वेलोसिटी। समझ रहे हैं, जैसे हम ये कहते हैं कि हम एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहे हैं, तो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहे हैं तो अगर हमारा पाथ देखा जाए तो हमारे पाथ में एक स्ट्रेट लाइन बनती चली जाएगी, तो इसीलिए उसको लीनियर वेलोसिटी बोला जाता है। अच्छा, अगर हम एक कर्व्ड पाथ में फॉलो कर्व्ड पाथ अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो कर्व्ड पाथ में जब हम मूव करते हैं तो हम एक रेडियस के चारों तरफ, हम एक रेडियस के अलोंग मूव करते हैं, इसलिए उसको रेडियस से शब्द बना रेडियल, इस वजह से उसको रेडियल वेलोसिटी बोला जाता है। अब सोचिए कि जैसे मान लीजिए ये मोबाइल फ़ोन हमारे हाथ में है, तो ये मोबाइल फ़ोन अगर यहाँ से देखें तो ये एक एरिया है, ठीक है, तो ये तो इसकी लेंथ हो गई और ये इसकी ब्रेथ हो गई, या उल्टा बोल दीजिए कि ये ब्रेथ हो गई और ये लेंथ हो गई। तो अगर इस एरिया को, पूरे एरिया को मूव करना है तो हम ये कहेंगे कि अगर मान लीजिए ये लेंथ है तो अगर ये ऐसे मूव कर रहा है तो हम ये कहेंगे नहीं नहीं ये तो लेंथ के अलोंग मूव कर रहा है, ये इसका मूवमेंट नहीं कहलाएगा, ये एक्सटेंशन कहलाएगा कि लेंथ के अलोंग एक्सटेंड कर रहा है। अब ये ब्रेथ है तो ब्रेथ कहाँ पर है, इस वाली एक्सिस पर, तो अगर ये ब्रेथ के अलोंग मूव कर रहा है तो ये भी एक्सटेंशन कहलाएगा, इसको भी मूवमेंट नहीं कहेंगे। हम ये कहेंगे कि इसकी लेंथ भी मूव करे और इसकी ब्रेथ भी मूव करे तो इसका मूवमेंट, ये वाला मूवमेंट जो ये आगे की तरफ आएगा, इसको हम बोलेंगे एरिया का एक्चुअल मूवमेंट। तो एरिया जब मूव करता है, तो एक एरिया चलता हुआ दिखाई देता है कि ये पूरा एक रेक्टेंगुलर एरिया चल रहा है, ठीक है। तो ये एरिया को अगर हम टाइम से डिवाइड कर दें तो दैट इज कॉल्ड एरियल वेलोसिटी, उसको एरियल वेलोसिटी बोला जाता है। जब स्ट्रेट लेंथ को यानी कि लाइन को जब टाइम से डिवाइड करते हैं, डिस्प्लेसमेंट यानी कि एक स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन को जब टाइम से डिवाइड करते हैं दैट इज कॉल्ड लीनियर वेलोसिटी। इसी तरह से एरिया को अगर टाइम से डिवाइड करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एरियल वेलोसिटी। तो इस टॉपिक में एरियल वेलोसिटी एक टर्म है जो आपने कभी सुना नहीं होगा, इसलिए वो मैंने आपको बताया, एरिया डिवाइडेड बाई टाइम इज कॉल्ड एरियल वेलोसिटी। अब इसके बाद टॉपिक पर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, एरिया डिवाइडेड बाई टाइम इज कॉल्ड एरियल वेलोसिटी। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल टॉपिक है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इज इक्वल टू ट्वाइस द प्रोडक्ट is equal to twice the product of its mass and aerial velocity, of its mass and aerial velocity. Twice the product of its mass and aerial velocity. तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम वो उसी तरीके से जैसे हमने एक्स वाई और जेड एक्सेस बनाई थी वैसे ही हम एक्स वाई और जेड एक्सेस बना रहे हैं। जेड एक्सेस है इधर, इधर वाई एक्सेस है। क्योंकि देखिए आप में से सभी बच्चे ऑनलाइन हैं तो कोई भी चीज ना समझ में आए मेरे से दोबारा पूछ लेना। एक्स वाई और जेड, क्वेश्चन क्या बनेगा, शो दैट, सिर्फ यहां पर इसके ऊपर ये और लिख देंगे वो, शो दैट एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इज इक्वल टू ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड लीनियर वेलोसिटी, ये क्वेश्चन बनेगा। अब देखिएगा हमने क्या करा, हमने जैसे हम एक ये एक्स वाई प्लेन, ये वाला प्लेन बनेगा नीचे वाला, हमने यहां पर एक पॉइंट पी ले लिया, इधर एक पॉइंट पी ले लिया और इसको ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया ऐसे, इस पॉइंट पी को हमने ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया, यहाँ एरो लगा दिया, ये बन गया हमारे लिए आर वेक्टर। फिर हमने कहा कि थोड़ा सा इस पॉइंट पी को ऐसे मूव करा दिया, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा मूव कराया बस इतना, तो ये होगा डेल्टा आर वेक्टर, ये डेल्टा आर वेक्टर होगा।
तो अगर मान लीजिए हम ओरिजिन से इस वाले पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं, ओरिजिन से इस वाले पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं, तो ये जो बनेगा, ये वाला जो नया वेक्टर बनेगा, ये बन जाएगा आर वेक्टर प्लस डेल्टा आर वेक्टर। एक्चुअली सिंपल है, बस वेक्टर्स का एडिशन है। आप याद करिए, जब वेक्टर्स का एडिशन करना होता था तो हम अगर इस वेक्टर को आर वेक्टर लेते थे, ठीक है, और इस वेक्टर को मान लीजिए हम इस तरह से डेल्टा आर वेक्टर लेते थे, तो क्या कर रहे हैं, एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से ज्वाइन कर दिया। इसको ट्राइंगल लॉ भी बोल देते हैं या हेड टू टेल रूल भी बोल देते हैं। दोबारा बताता हूँ कि एक वेक्टर का हेड कहाँ पर, जहाँ पर ये एरो बना हुआ है, एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से अगर मैंने ज्वाइन कर दिया, तो दूसरे वेक्टर का हेड पहले वेक्टर के टेल से भी ज्वाइन करेंगे। ऐसे पहले का हेड और दूसरे का टेल ज्वाइन हो गया, तो दूसरे का हेड और पहले का टेल भी ज्वाइन होगा, तो ये बन जाएगा आर वेक्टर प्लस डेल्टा आर वेक्टर, आर वेक्टर प्लस डेल्टा आर वेक्टर। इसको क्या बोलते हैं, इसको ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या हेड टू टेल रूल भी बोल देते हैं। ठीक है, तो मैंने वही करा है। आर वेक्टर ये था, ओरिजिनली पार्टिकल यहां पर रखा हुआ था, पार्टिकल बहुत मामूली सा डिस्प्लेस हुआ, हल्का सा डिस्प्लेस हुआ डेल्टा आर वेक्टर। तो हमने ये कहा कि ठीक है, जो रिजल्टेंट है इसका, वो रिजल्टेंट कैसे बनेगा, रिजल्टेंट इसका और इसका एडिशन हो जाएगा, आर वेक्टर प्लस डेल्टा आर वेक्टर। ये बता दीजिए, इतना समझ गए, ये ट्राइंगल लॉ को ही मैंने यहां पर समझाया है, इतना सभी को क्लियर है? सर बाकी बच्चे भी बता दें, ऋषिका, सूर्यांश, निधि, ज्योति, वंशिका, यस सर ठीक है? चलिए, तो इसी चीज को यहां पर हमने थ्योरेटिकली एक्सप्लेन भी कर रखा है। देखिए क्या लिखा है, कंसिडर अ पार्टिकल ऑफ मास एम, हमने माना कि एक पार्टिकल है जिसका मास एम है। कंसिडर अ पार्टिकल ऑफ मास एम रोटेटिंग इन द एक्स वाई प्लेन, मतलब ये एक्स वाई प्लेन, ये वाला प्लेन है, इस प्लेन में ये इस तरीके से रोटेट कर रहा है। ठीक है, मुझे रोटेट करते हुए दिखाना नहीं है, मुझे बस इतना सा दिखाना है, इसी से हमारा काम हो जाएगा। रोटेटिंग इन द एक्स वाई प्लेन, लेट आर वैक्टर एंड आर वैक्टर प्लस डेल्टा आर वैक्टर बी द पोजिशन वैक्टर्स ऑफ द पार्टिकल एट इंस्टेंट्स टी एंड टी प्लस डेल्टा टी। तो वो पार्टिकल पहले पॉइंट पी पर था और फिर पॉइंट इस वाले पॉइंट पर पहुंच गया, वो पार्टिकल पहले यहाँ पर था फिर यहाँ पर पहुंच गया, इस वाले पॉइंट को फिर हमने ना क्यू बोल दिया कि वो यहाँ पर पहुंच गया। ठीक है, अच्छा जी, इसको थोड़ा मैं इस तरफ लिख देता हूँ, ऐसे आर वेक्टर प्लस डेल्टा आर वेक्टर ऐसे लिख दिया। तो वो यहाँ से यहाँ पहुँचने में उसको जो टाइम लगा, वो टाइम लगा डेल्टा टी, यहाँ से यहाँ पहुँचने में। ठीक है, अभी बस इसको याद रखिए। अच्छा, तो हमने कहा कि जब टाइम टी था तब तो वो पार्टिकल यहाँ पर था, तो इस पॉइंट पर उसको टाइम टी पर वो यहाँ पर था, ठीक है, और डेल्टा टी टाइम के बाद वो यहाँ पहुँच गया, यानी कि यहाँ पर कितना टाइम हुआ होगा, टी प्लस डेल्टा टी। ठीक है, टी टाइम पर यहाँ पर था, फिर डेल्टा टी सेकेंड्स और भी थे, तो टी प्लस डेल्टा टी पर वो पॉइंट क्यू पर पहुँच गया। अब देखिएगा, इफ वी वेक्टर इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट पॉइंट पी, देन द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन टाइम डेल्टा टी मे बी एक्सप्रेस्ड एज। तो वो जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा, ये जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम। तो हमने ये कहा कि यहां से यहां तक जो पार्टिकल गया, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी, वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर वेक्टर। वेलोसिटी क्या है, वी वेक्टर, और टाइम कितना है, डेल्टा टी, वी वेक्टर डेल्टा टी। इसको इक्वेशन नंबर वन बोल दिया, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, सिर्फ इतना कराया अभी हमने। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये करने के बाद में, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम ये करने के बाद में, आप क्या करिए, पैरेललोग्राम कंप्लीट करिए। तो क्या करोगे, ये जो है ना डेल्टा आर वेक्टर, इसके ठीक पैरेलल यहां पर एक लाइन बना लो, और ये जो दूसरा वाला वेक्टर है, ये आर वेक्टर, इसके पैरेलल यहां पर लाइन बना लो, ताकि पैरेललोग्राम कंप्लीट हो जाए। इसको बोलो ओ पी क्यू और इस वाले पॉइंट को बोल दीजिए आर। तो वेक्टर को मैंने बोला कि कोई भी वेक्टर है उसको हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, तो डेल्टा आर वेक्टर यहां था, इसको यहां करके ले आए शिफ्ट, कोई फर्क नहीं है, इसको भी डेल्टा आर वेक्टर बोलेंगे। आर वेक्टर यहाँ है, इसको पैरेलली शिफ्ट करा, तो आर वेक्टर यहाँ आ गया। तो
तो हम इस तरह से पैरेलली वेक्टर्स को शिफ्ट कर सकते हैं। तो मैंने एक पैरेललोग्राम बनाया है, कुछ सोच समझकर बनाया है, बताऊंगा अभी क्यों। ये पैरेललोग्राम हमने बनाया क्यों है ये अभी बताऊंगा, ठीक है जी। उसके बाद आगे चलते हैं, ये पैरेललोग्राम हो गया ओ पी क्यू आर। अब आगे चलते हैं, ये इधर वाला पोर्शन मिटा रहा हूँ, ये अलग से समझाया था, इसको मिटा रहा हूँ। अब ऐसा होता है कि अगर कभी भी कोई दो वेक्टर्स की हेल्प से, अगर कभी भी कोई दो वेक्टर्स की हेल्प से हमारे पास कोई पैरेललोग्राम बनता है ना, तो अगर उसका एरिया निकालना होता है ना पैरेललोग्राम का, तो हम उसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं, ठीक है। तो आप ये देखिए, कोई भी दो वेक्टर्स ले लीजिए, जैसे ये है, ये वाला वेक्टर है आर वेक्टर, और ये वाला वेक्टर है डेल्टा आर वेक्टर। तो इन दोनों का अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट ले लूंगा ना, तो मेरे पास इस पूरे पैरेललोग्राम ओ पी क्यू आर का एरिया आ जाएगा, ठीक है। पैरेललोग्राम का एरिया निकालने का यही तरीका है वेक्टर्स में, कि हमारे पास कोई भी दो साइड्स हो, कोई भी दो साइड्स हो। आप ये कहें कि मैं कौन सी साइड, कोई भी ले लो भाई, ये वाली लोगे तो ये आर वेक्टर है, ठीक है, और सॉरी डेल्टा आर वेक्टर है, ये वाली ले लो तो ये आर वेक्टर है। तो या तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, या इसको इससे, किसी, आप ये देखिए चारों जो साइड्स है ना, उनमें आपको बराबर बराबर वाली साइड्स मल्टीप्लाई करनी होती है। तो आर वेक्टर, डेल्टा आर वेक्टर, इन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो एरिया आ जाएगा इसका। तो देखिएगा क्या है, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ओ पी क्यू आर, नेक्स्ट जो आपके नोट्स में भी मेंशन है वो देखिएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इस टॉपिक को ऐसे समझना कि ये पेपर में आएगा टॉपिक, ठीक है, इसलिए बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओपी क्यू आर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस डेल्टा आर वेक्टर, ठीक है, आर वेक्टर और डेल्टा आर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करा तो एरिया आ गया ओपी क्यू आर का। पैरेललोग्राम की खास प्रॉपर्टी होती है कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है ना, वो पैरेललोग्राम को दो इक्वल ट्राइंगल्स में, दो इक्वल एरिया वाले ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है। तो अगर मैं इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास सिर्फ इस ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा, ठीक है। यहां लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ पी क्यू, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू हाफ आर वेक्टर क्रॉस डेल्टा आर वेक्टर, हाफ आर वेक्टर क्रॉस डेल्टा आर वेक्टर। सो अब क्या है, ये पार्टिकल यहां से यहां पहुंचा, तो यहां से यहां जब पार्टिकल पहुंचा तो उसने क्या करा, उसने ना एक एरिया स्वीप करा, मतलब ऐसे करके इस पॉइंट से, और ऐसे एक एरिया स्वीप करा, मतलब जैसे एरिया की एक झाड़ू लगा दी हो, समझ रहे हैं, वो स्वीप का मतलब झाड़ू ही होता है, इसलिए समझा रहा हूँ, कि जैसे एक एरिया को पूरा उसने पोंछ दिया हो यहाँ से यहाँ तक। तो दिस इज कॉल्ड एरिया स्वेप्ट, ये वाला जो है, ये जो मैंने शेड करा है ना, दिस इज कॉल्ड, क्योंकि टाइम लिया उसने, बहुत छोटा सा टाइम लिया डेल्टा टी, तो बहुत छोटा सा ही एरिया वो स्वीप करेगा, उस छोटे से एरिया को हमने डेल्टा ए वैक्टर बोल दिया, डेल्टा ए वैक्टर, ये छोटा सा एरिया जो शेड करा है हमने। तो यहाँ पर लिखेंगे, सो यही जो ट्राइंगल OPQ है, ये ट्राइंगल OPQ यही डेल्टा ए वेक्टर है, तो हम लिखेंगे सो डेल्टा ए वेक्टर इज इक्वल टू हाफ आर वेक्टर क्रॉस डेल्टा आर वेक्टर। यहां तक ठीक है, दोबारा से बताता हूं, हमने क्या करा, एक वेक्टर ये था आर वेक्टर, यानी कि इनिशियली पार्टिकल यहां पर था, फिर डेल्टा टी टाइम में, पहले टाइम टी पर वो यहां पर था, T प्लस डेल्टा T में वो पार्टिकल यहां पहुंच गया, तो एक वेक्टर बना R वेक्टर, एक वेक्टर बना डेल्टा R वेक्टर, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट निकाला, मतलब यहां से यहां तक जाने में जो डिस्प्लेसमेंट है, दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, तो वेलोसिटी लिया V वेक्टर, टाइम लिया डेल्टा T, तो डेल्टा R वेक्टर आ गया V वेक्टर डेल्टा T, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर वन। उसके बाद हम ये जानते हैं कि जब एक पैरेललोग्राम बनता है वेक्टर्स की हेल्प से, तो कोई भी दो एडजेसेंट साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, आर वेक्टर क्रॉस डेल्टा आर वेक्टर। तो जब क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो हमारे पास पूरे पैरेललोग्राम का एरिया आ जाता है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओपी क्यू आर, ये आ गया आर वेक्टर क्रॉस डेल्टा आर वेक्टर। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि उसका जो डायगोनल है वो पैरेललोग्राम को दो इक्वल एरियाज वाले ट्राइंगल में डिवाइड करता है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओपी क्यू, जिसको हमने डेल्टा ए वेक्टर भी बोला, डेल्टा ए वेक्टर हो गया हाफ आर वेक्टर क्रॉस डेल्टा आर वेक्टर। यहां तक पहुंचे हैं, इसके बाद आगे चलते हैं।
इसके बाद हमने ये जो वी आर डेल्टा आर वेक्टर की जो वैल्यू है वो इसमें डाल देनी है। डेल्टा ए वेक्टर इज इक्वल टू हाफ आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर डेल्टा टी, क्रॉस वी वेक्टर डेल्टा टी। तो ये वैल्यू हमने कहाँ से लिखी? फ्रॉम इक्वेशन वन, इक्वेशन वन से हमने ये वैल्यू लिख दी आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर डेल्टा टी। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे? पी वेक्टर, इफ पी वेक्टर इज द लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, तो पी वेक्टर लीनियर मोमेंटम होता है, तो हम ये जानते हैं सिंस पी वेक्टर इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी एम इंटू वी वेक्टर, यहां से वी वेक्टर की वैल्यू निकाल लेंगे। इट इंप्लाइज दैट वी वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर अपॉन एम, ये हो गई v वेक्टर की वैल्यू। इस v वेक्टर की वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो डेल्टा a वेक्टर इज इक्वल टू हाफ r वेक्टर क्रॉस p वेक्टर अपॉन m इनटू डेल्टा t। ठीक है, अब होता क्या है कि क्रॉस प्रोडक्ट की खास प्रॉपर्टी होती है, पहले भी बताया था और अगर नहीं ध्यान हो तो कोई बात नहीं। क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट में, खास तौर पर क्रॉस प्रोडक्ट में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, बहुत भूलते भी हैं, तो याद रखिएगा क्रॉस प्रोडक्ट में अगर हमें कभी भी कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना होता है तो वो कांस्टेंट किसी एक टर्म में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अच्छा वो वैसे भी बताता हूँ कि मल्टीप्लीकेशन का एक सिंपल सा रूल है, एडिशन में अलग होता है लेकिन मल्टीप्लीकेशन का एक सिंपल सा रूल है। देखिएगा, अगर मान लीजिए मेरे पास लिखा हुआ है टू मल्टीप्लाइड बाई ए इंटू बी, टू मल्टीप्लाइड बाई ए इंटू बी, तो इसको आप क्या लिखोगे? इसको आप ये तो लिखोगे टू ए बी। वहीं पर अगर लिखा हुआ है टू मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी, तो अगर बीच में एडिशन का या सब्ट्रैक्शन का साइन है तो आप क्या करेंगे? तो आप टू को ए से भी मल्टीप्लाई करोगे, टू को बी से भी मल्टीप्लाई करोगे और बीच में लगाओगे प्लस का साइन। तो कई बार कन्फ्यूजन ये होता है कि बच्चा कॉन्स्टेंट को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देता है, वो गलत है। जब मल्टीप्लीकेशन है, जैसे a इंटू बी लिखा हुआ है, तो अगर आप 2 लेकर आ रहे हो तो आइदर 2 को a के साथ मल्टीप्लाई करो या b के साथ मल्टीप्लाई करो। ठीक है ना, तो वो कहलाएगा 2ab। तो इसी तरह से जब ये हाफ है ना, हाफ इज अ कॉन्स्टेंट, तो या तो ये r वेक्टर के साथ इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे या आप इसको इसके साथ p वेक्टर अपॉन m इंटू डेल्टा v इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम क्या करेंगे, मेरी बात समझ गए सभी बच्चे, कि जब दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही होती हैं उनके साथ किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो कांस्टेंट किसी एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई होता है, दोनों के साथ नहीं होता। समझ गए? वैसे भी चेक करिए भाई, अगर मान लीजिए 2 है और यहाँ पर लिखा हुआ है 3 × 4, ये तो नॉर्मल नंबर्स है ना जो बचपन से पढ़ते आए हो आप, तो ऐसा थोड़ी करूंगा कि 2 × 3 = 6 और 2 × 4 = 8 और फिर आपस में मल्टीप्लाई, नहीं, वो बड़ी वैल्यू हो जाएगी। इसको आप क्या करोगे, 3 × 4 = 12, 12 × 2 = 24, वैसे होता है ना। तो 2 को चाहे तो 3 में मल्टीप्लाई करो और फिर 6, 2 × 3 = 6, 6 × 4 करोगे तो 24, या 2 को 4 में मल्टीप्लाई करो, 2 × 4 = 8, 8 × 3 वो 24, ऐसे होता है। तो जब भी मल्टीप्लीकेशन हो रहा होता है, बाहर कांस्टेंट होता है, तो वो किसी एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है, दोनों के साथ नहीं होता। तो मैं वही करने वाला हूँ, ये जो हाफ है ये सिर्फ आर वैक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हाफ आर वैक्टर क्रॉस p वेक्टर अपॉन m इंटू डेल्टा t। ठीक है, ये करने के बाद में फिर मैं ये देखूंगा भाई इसमें वेक्टर्स कौन कौन से हैं जो जिनका क्रॉस हो रहा है, इनमें वेक्टर्स कौन कौन से हैं। इनमें वेक्टर्स हैं r वेक्टर क्रॉस p वेक्टर, तो जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो कॉन्स्टेंट्स क्या क्या कर रहे हैं यहाँ पर, उन कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकाल लो, अलग, बाहर निकालने का मतलब अलग लिख लो। तो वह ऐसे हो जाएगा डेल्टा a वेक्टर इज इक्वल टू हाफ और ये अपॉन में m और ये डेल्टा t, सब निकालिए बाहर, डेल्टा t अपॉन m, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, केवल ये r वेक्टर क्रॉस p वेक्टर। मेरी बात बताइए, सभी को समझ में आ गई? ठीक है, सूर्यांश और वंशिका, बाकी वंशिका n ब्लॉक, अनिका, सूर्यांश, ऋषिका, बताइए। Yes, क्लियर है? निधि, ज्योति, आप दोनों बताओ क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, चलिए जी, अब क्या करना है,
अब क्या करना है, अब ध्यान से देखिएगा, ये आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर क्या होता है, यही तो एंगुलर मोमेंटम होता है, यही तो एंगुलर मोमेंटम होता है। तो मैं इसको इधर लिख रहा हूँ, यहाँ बराबर में लिख रहा हूँ, और ये जो डेल्टा टी है ना, यहाँ इस डेल्टा टी को यहाँ डिनोमिनेटर में ले आओ, तो इसको ऐसे लिख देंगे डेल्टा ए वेक्टर अपॉन डेल्टा टी, एरिया अगर टाइम से डिवाइड होता है तो उसको क्या बोलते हैं, बताया था बिल्कुल शुरुआत में, एरिया अगर टाइम से डिवाइड हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, एरियल वेलोसिटी। बिल्कुल सही, तो यही टर्म मेरे को, नई टर्म मैंने सीखी है, ये एरियल वेलोसिटी कहलाता है, मैंने इसको टाइम से डिवाइड कर दिया। और इस तरफ देखिएगा, इस तरफ क्या बचा, 1/2m, और व्हाट इज दिस, ये हो गया एल वेक्टर, एल वेक्टर यानी कि लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम ये हो गया। तो अब आप क्या करेंगे, इस 2m को इधर ले आएंगे, इट इंप्लाइज दैट एल वैक्टर इज इक्वल टू 2m इन टू डेल्टा ए वैक्टर अपॉन डेल्टा टी, ये हो गया, ठीक है। अब जरा देखना टॉपिक क्या था, शुरुआत में जो टॉपिक था वो देख लो, जरा पढ़ लो, शो दैट एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल एल वैक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस, यानी कि ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड एरियल वेलोसिटी, ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एरियल वेलोसिटी, हो गया प्रूव, यही तो प्रूव करना था, बताइए क्लियर है कि नहीं, बता दो, वही लास्ट, अगला जो है स्टेटमेंट वही लिखा हुआ है, सो एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इज इक्वल टू ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड एरियल वेलोसिटी, वेयर, फिर आगे ये समझा दिया कि डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी क्या है, वेयर डेल्टा ए वेक्टर अपॉन डेल्टा टी इज द एरिया स्वेप्ट आउट बाय द पोजिशन वेक्टर पर यूनिट टाइम एंड इज कॉल्ड द एरियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। मतलब ये समझाया गया है कि डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, इसी को एरियल वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है, बता दीजिए क्लियर है कि नहीं, ठीक है जी, सभी को क्लियर है ना, चलिए जी, इसके बाद मेरे को ये बता दीजिए एक बार कि ये जो आपका कैपलर्स लॉज ऑफ मोशन, ये करवाया गया या नहीं करवाया गया, कैपलर्स करवाया था, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो जरा कैपलर्स लॉ करवाता हूँ आपको, क्योंकि अभी अभी हमने ये टॉपिक कराया तो उसी से रिलेटेड अगला भी क्वेश्चन है, वो भी क्वेश्चन है, देखिए का क्वेश्चन ही लिखा हुआ है, शो दैट एंगुलर मोमेंटम लीड्स टू कैपलर्स सेकंड लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। तो मैं एक बार आपको कैपलर का सेकंड लॉ बताता हूँ, ये वाला सभी को क्लियर है ना, इसको दोबारा बताने की जरूरत तो नहीं है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इज इक्वल टू ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड एरियल वेलोसिटी, ठीक है। मैं अब इसमें पहले आपको कैपलर्स लॉ बताता हूँ और फिर इसी की हेल्प से फटाफट हो जाएगा, वो बहुत थोड़ा सा ही है, छोटा सा ही है, पेज नंबर 29 पर, ठीक है, ये पोर्शन मिटा रहा हूँ इधर से, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो बाद में देखेंगे, पहले मैं आपको बताता हूँ कैपलर का सेकंड लॉ क्या होता है। कैपलर का सेकंड लॉ, कैपलर क्या है कि जैसे न्यूटन है ना, तो न्यूटन ने ये कहा था, मेरा मतलब न्यूटन था, ठीक है, तो न्यूटन ने ये कहा था कि जितने भी प्लैनेट्स हैं ना पूरे सोलर सिस्टम में, वो सन के चारों तरफ घूमते रहते हैं, उनमें अर्थ भी शामिल है, वो सन के चारों तरफ घूमते रहते हैं, कैपलर ने भी यही कहा था। न्यूटन में और कैपलर में अंतर क्या है, न्यूटन ने यह कहा था कि वो सारे के सारे जो प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं ना सन के चारों तरफ, दे रिवॉल्व इन सर्कुलर ऑर्बिट्स, ऐसा तो बोला था न्यूटन ने, लेकिन कैपलर ने बोला था कि नहीं नहीं नहीं, वो एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में घूमते हैं, एलिप्टिकल मतलब एग की शेप का, ओवल, ओवल शेप, वो एग की शेप वाला जो ऑर्बिट है उसमें घूमते हैं। तो कैपलर का जो सेकेंड लॉ था, कैपलर का सेकेंड लॉ ये कहता था कि, उसने कहा था कि सोलर सिस्टम ना इस तरीके से चक्कर काटता है, उसमें जो है प्लैनेट्स ऐसे चक्कर काटते हैं, और सन जो है, सन या तो यहां पर होता है और या फिर यहां पर होता है, या तो यहां पर, या तो यहां पर, क्या, देखिए एलिप्स एक फिगर होती है,
मैथ्स वाले बच्चे जिन्होंने कॉनिक सेक्शन कर रखा है उनको पता होगा कि एलिप्स एक फिगर होती है, उसके ना दो फोकस होते हैं, तो एक फोकस यहाँ पर होता है, एक फोकस यहाँ पर होता है, तो वो या तो यहाँ पर रहेगा सन या फिर यहाँ पर रहेगा। तो पहली चीज तो ये कैपलर ने बताया था। न्यूटन ने बताया था कि नहीं नहीं वो बस एक ही जगह रहेगा, सेंटर में रहेगा, सर्कुलर ऑर्बिट के सेंटर में रहेगा। तो न्यूटन की कहानी वो अलग हो गई, कैपलर पर आते हैं। तो हमने कहा कि कैपलर ने बोला कि या तो सन यहाँ रहेगा या फिर यहाँ रहेगा, तो मान लेते हैं चलो सन यहाँ पर है, सन यहाँ पर है। तो उसने ये बताया कि अगर एक प्लैनेट यहाँ से और यहाँ जाता है तो इसका पोजीशन वेक्टर बनाओ, इसको सन को ओरिजिन मानते हुए पोजीशन वेक्टर बना लिए दोनों के। पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या है कि बस उसको एक लाइन से ज्वाइन कर दिया, यहाँ पर था और यहाँ पर था। तो उसने मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आने में मान लो उसको 3 घंटे लग रहे हैं, 3 आवर्स मान लीजिए, 3 ले लिया मैंने एग्जाम्पल के तौर पर, 4 घंटे ले लो, 5 घंटे ले लो, मर्जी आपकी, हमने 3 घंटे का टाइम ले लिया। तो 3 घंटे में उसने ये एरिया स्वीप करा, एरिया स्वेप्ट ये कितना है, ये मान लीजिए A1 है। तो हमने कहा कि अब प्लैनेट यहां पर है, चाहे ये प्लैनेट चाहे कोई और प्लैनेट, अब एक प्लैनेट यहां पर है, ये पॉइंट P पर था और Q पर था, तो इसने कुछ एरिया स्वीप करा, मतलब एरिया इसने कुछ स्वीप करा, एरिया बनाया। तो इधर ये एक दूसरा प्लैनेट वो R पर था, और एक प्लैनेट वो जो है जो आर पर था वो 3 घंटे में आर से एस पर पहुंच गया यहाँ, तो इसको इससे ज्वाइन करा, इसको इससे ज्वाइन करा और एरिया बनाया। तो जो ये एरिया निकलेंगे ना दोनों के दोनों, ये A1 और A2 ये दोनों के दोनों कांस्टेंट होंगे, मतलब सेम होंगे। एरिया स्वेप्ट जो है वो सेम टाइम में, अगर हम एरिया देखेंगे कि 3 घंटे में एक प्लैनेट यहाँ से यहाँ पहुँचा तो उसने कुछ एरिया स्वीप करा, 3 घंटे में दूसरा प्लैनेट यहाँ से यहाँ पहुँचा तो उसने भी कुछ एरिया स्वीप करा, तो ये दोनों एरिया सेम होंगे, ऐसा कैपलर ने प्रूव करके दिखाया था। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर अब जो क्वेश्चन है वो यही है कि शो दैट एंगुलर मोमेंटम लीड्स टू कैपलर्स सेकेंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो एंगुलर मोमेंटम से ही हम कैपलर का सेकेंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन प्रूव कर सकते हैं। सेकेंड लॉ क्या कहता है कि जो एरिया स्वेप्ट है ना वो कांस्टेंट रहेगा, 3 घंटे में अगर एक प्लैनेट यहाँ से यहाँ पहुँचता है तो उसने जितना एरिया बनाया, तो 3 घंटे में अगर कोई दूसरा प्लैनेट यहाँ से यहाँ पहुँचेगा तो वो भी सेम ही एरिया बनाएगा। तो बात करते हैं हम जरा इसकी। एज वी नो दैट अ प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स विच एक्ट्स टुवर्ड्स द सन, दैट इज द फोर्स इज प्योरली रेडियल एंड एंगुलर कॉम्पोनेंट ऑफ द फोर्स एफ थीटा इज जीरो। ठीक है, जब हम ये कहते हैं कि कोई भी प्लैनेट ऐसे गोल 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 घूम रहा है या एलिप्टिकल ऑर्बिट में भी घूम रहा है, तो जो टॉर्क है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर एफ साइन थीटा। मैं अगला क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है, अब मैं उस क्वेश्चन पर आ गया हूँ, ये तो कैपलर का लॉ था, ठीक है, अब क्वेश्चन पर आ गया हूँ। हम ये जानते हैं कि टाओ क्या होता है, आर एफ साइन थीटा, ये हमने करा था कल कि टाओ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, आर एफ थीटा, आर एफ थीटा। ठीक है, तो अब क्या होता है कि प्लैनेट जो है ना, कोई भी प्लैनेट अगर अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, अगर अर्थ के चारों तरफ कोई भी प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है तो वो किसकी वजह से रिवॉल्व कर रहा है, वो तो कहीं भी इधर उधर उड़कर जा सकता है। ध्यान से समझिएगा कि अगर कोई भी प्लैनेट है, उस प्लैनेट को क्या हमने किसी धागे से या किसी पिलर विलर से बांध कर रोक रखा है क्या, सन से चिपका रखा है उसको? नहीं, वो रुका हुआ है। तो उसको कौन रोक रहा है, उसको ये रेडियल फोर्स रोक रही है। रेडियल फोर्स यानी कि एक फोर्स जो कि सेंटर की तरफ जाती है, दैट इज कॉल्ड रेडियल फोर्स। तो उसको रेडियल फोर्स ने रोक रखा है, यानी कि एंगुलर फोर्स नाम की कोई चीज नहीं है। एंगुलर फोर्स होती है ये एफ थीटा, एफ साइन थीटा को हम एंगुलर फोर्स बोल देते हैं। तो एंगुलर फोर्स नाम की कोई चीज नहीं है, एंगुलर कॉम्पोनेंट कहा जाता है इसको, तो वो एंगुलर कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स नहीं है, रेडियस है, रेडियस की तरफ ही एक फोर्स लग रही है, उसी ने उसको रोक रखा है, नहीं तो ये तो कहीं भी उड़ के इधर उधर चले जाएंगे प्लैनेट्स। तो सन है, सन को इसीलिए बोला जाता है कि एंटायर एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स वो सारी की सारी सन के अंदर ही है, सन के इन्फ्लुएंस में है, सन के कंट्रोल में। तो ये है कि भाई ये जो एफ थीटा है ना, एफ थीटा तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है प्लैनेट्स के केस में, क्योंकि प्लैनेट्स के केस में सारा का सारा जो फोर्स है दैट इज प्योरली रेडियल, यानी कि
एफ थीटा आपका जीरो हो जाएगा, एंगुलर कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स नहीं है। जब एफ थीटा जीरो हो गया तो भाई टाओ इज इक्वल टू आर इंटू जीरो, यानी कि टाओ जीरो हो गया, टाओ हो गया जीरो। अच्छा, हमने एक डेरिवेशन और करा था लास्ट क्लास में, उसमें ये था कि टाओ को एंगुलर कॉम्पोनेंट सॉरी एंगुलर मोमेंटम की टर्म्स में कैसे निकाल सकते हैं। यहां पर लिखेंगे सिंस टाओ इज इक्वल टू डीएल वेक्टर बाई डी टी, टाओ वेक्टर इज इक्वल टू डीएल वेक्टर बाई डी टी, वेक्टोरिकली अगर देखा जाए, या फिर टाओ इज इक्वल टू डीएल बाई डी टी। अगर वेक्टोरिकली नहीं देखना है तो डीएल बाई डी टी हो जाएगा। तो टाओ इज इक्वल टू जीरो का मतलब क्या हो गया, डीएल बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो, समझ गए। टाओ इज इक्वल टू डीएल बाई डी टी होता है, ये हम प्रूव करके देख चुके हैं, रिलेशन है, ठीक है। साथ साथ रिवाइज करते चलिए भाई, ये जो पिछले तीन चार टॉपिक्स हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए कह रहा हूँ साथ साथ रिवाइज कर लीजिएगा। कल की वीडियो भी मैं भेज चुका हूँ दोनों, ठीक है। तो कल जो एक मैंने 15 या 20 मिनट की क्लास ली थी उसमें ये वाला प्रूव करवाया था, छोटा सा डेरिवेशन है इसका, टाओ इज इक्वल टू डीएल बाई डी टी। तो जब टाओ जीरो आ गया, क्योंकि एफ थीटा जीरो था, इस वजह से हमारा डीएल बाई डी टी जीरो आ गया। डीएल बाई डी टी जीरो आने का मतलब क्या है, डीएल बाई डी टी जीरो आने का मतलब ये है कि एल इज कॉन्स्टेंट। क्यों, डिफरेंशिएशन का सिंपल सा रूल, किसी किसका डिफरेंशियल जीरो होता है, किसी कांस्टेंट का डिफरेंशियल जीरो होता है, इसका मतलब एल जो है वो कांस्टेंट है। और एल कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 2m into, क्योंकि एल की वैल्यू ये है 2m into डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, ठीक है। इसका मतलब 2m into डेल्टा ए बाई डेल्टा टी कांस्टेंट है, ठीक है। ये मिटा रहा हूं मैं यहां से, ठीक है। तो देखिएगा, क्योंकि L कांस्टेंट है, L कांस्टेंट का मतलब 2m into delta A by delta T, ये कांस्टेंट है, तो मैं इधर लिख रहा हूं, इट इंप्लाइज दैट 2m into delta A by delta T इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो delta A by delta t is equal to constant upon 2m, किसी constant को किसी दूसरे constant से अगर divide करते हैं, constant को 2m भी तो एक constant है, mass constant होता है, उसमें 2 multiply कर दिया, 2 भी constant है। किसी constant को किसी दूसरे constant से divide करेंगे तब भी constant value आएगी। constant का मतलब होता है कोई भी number वाली value, 5, 6, 10, कोई भी fixed value। तो इसका मतलब डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यही कैपलर का सेकेंड लॉ है। कैपलर का सेकेंड लॉ यही कहता है कि एरिया स्वेप्ट पर यूनिट टाइम इज कॉन्स्टेंट। अगर यहां से यहां तक उसी टाइम में यहां से यहां तक का एरिया निकालो, उसी टाइम में यानी कि 3 घंटे के ही टाइम में यहां से यहां तक का एरिया निकालो, तो वो सेम आएगा, सेम मतलब एक फिक्स वैल्यू आएगी, फिक्स वैल्यू मतलब कांस्टेंट आएगा, ठीक है। तो वही देखिए लिखा हुआ है, दैट इज एरियल वेलोसिटी ऑफ अ प्लैनेट इज कांस्टेंट एंड केपलर सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन स्टेट्स दैट द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट टू द सन, लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट टू द सन स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, hence angular momentum leads to Kepler's second law of planetary motion। बस इतना करना है, बताइए जी, क्लियर है सभी को, ठीक है। ये दोनों ही जो क्वेश्चंस हैं, ये दोनों ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे, ये दोनों क्वेश्चंस अच्छे से रिवाइज कर लेना, और कल जो आपकी रेगुलर क्लास होगी शाम को, उसमें जो बचे हुए न्यूमेरिकल्स हैं वो कराएंगे, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सिर्फ फॉर्मूले करने हैं हमको, तो वो फॉर्मूले आपको लिखवाऊंगा, और ये जो क्वेश्चन है। हाँ जी बोलिए सर, वो जो मोमेंटम इनर्शिया वाला उसमें जो फॉर्मूला है तो उसके ऊपर सिर्फ न्यूमेरिकल बेस्ड जाएंगे ना, मतलब उसमें डेरिवेशन वगैरह कुछ नहीं, टोटल हट चुका है सिलेबस में से। अगर कोई टीचर दे भी देता है तो साफ बोल देना सर, साफ साफ लिखा हुआ है कि फॉर्मूले ओनली, कुछ नहीं करना है। हाँ क्योंकि उनके जो प्रूव है ना, प्रूव लंबे हैं, प्रूव वो सारे हट चुके हैं सिलेबस में, नहीं है कुछ भी।
हाँ वो नई वाली बुक में तो नहीं है, पर पुरानी वाली में भी हाँ है। वो पुरानी को छोड़ दो, वो मतलब एक्चुअली पिछले 2 साल से हटा हुआ है, वो पूरा पोर्शन हटा हुआ हाँ है ना। तो ये आप ये देख लीजिए, मैंने बोला था कि पेज नंबर 30 तक हमको करना है, आगे करना नहीं है। तो आगे जो करना है वो मैं कल ही की क्लास में करा दूंगा, ठीक ओके है। तो ये आप करके आइएगा, बाकी कल मिलते हैं आपसे रेगुलर क्लास में, ठीक है। ओके सर। चलिए जी, ओके।